हो गए चलो महाराज। हरे कृष्णा, चुपचाप हो जाओ। ओम ज्ञानति मिरामदस्य ज्ञानञ्जनकलया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये ठीक आ रहे हैं इधर देने को आ रहे से। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग एक ग्रंथ श्रवण करेंगे, उसका नाम है माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ। हमारे संप्रदाय में ये एक अनमोल अद्भुत ग्रंथ है। इसको पहले ऐसे ग्रंथ किसी ने रचना की नहीं। कहती ये ग्रंथ की एक विशेषत्व तो क्या है, ये ग्रंथ की क्या महिमा है। कहते श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जैसे क्लास ऐसे होता है, हैं? और जैसे जी जैसे एक दिन वो पीएचडी करता है, उसी तरह भक्ति में भी ऐसे कुछ सोपान हैं। भक्ति में ऐसे कुछ सोपान हैं, इसलिए रूप गोस्वामी ने वो सब बात को बताई। भक्ति में पहले श्रद्धा, श्रद्धा हो तभी कोई भक्ति में आता है। उसके बाद में साधु संग, श्रद्धा होगा फिर आकर के साधु संग में बैठेगा फिर कथा सुनेगा। तीसरा जब उसको पता चलता है भैया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जाना कहाँ, ये सब दुनिया क्या है, जब उसको पता चलता है जीव का जो असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान की ही संतान, उनकी सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है, फिर वो भजन करता है, फिर अनर्थ निवृत्त होता है। हमारे हृदय में चार तरह का अनर्थ है, असत तृष्णा अपराध हृदय द्रौबल्य है तत्व भ्रम, ये चार तरह का ये अनर्थ है, ये दूर होगा। उसके बाद में फिर भक्ति में धीरे धीरे रुचि आएगी, फिर भक्ति में धीरे धीरे तो पक्के बनेगा, निष्ठा बनेगा है। उसके बाद में ठाकुर के प्रति आसक्ति होगी, फिर हृदय में भाव। लेकिन कभी कभी साधक भ्रमित हो जाता है, अभी भक्ति भक्ति इतना कुछ हुआ ही नहीं, कोई थोड़ी सी कोमल श्रद्धा अगर आंखों से कोई अगर थोड़े आंसू बहा देना, थोड़ी सी ये कर ले, अरे भैया इसको तो भाव हो गया, इसको तो प्रेम हो गया। कभी कभी जीव भ्रमित हो जाता है, हैं? भ्रमित हो जाता है। इसलिए ये ग्रंथ ये ऐसे के ग्रंथ है जिसको ब्यारोमीटर कहते हैं। ब्यारोमीटर मतलब क्या, जैसे दूध, इसमें कितना दूध और कितना पानी है, एक मशीन है, वो मशीन डाल दो ना, उससे अपने आप पता चल जाएगा इसमें पानी कितना और दूध कितना है। फिर उसी तरह ये जो ग्रंथ है ये ब्यारोमीटर है,
अरे सचमुच से तुम्हारे हृदय में कितनी भक्ति है, तुम भक्ति की कौन सा स्टेज में अभी पहुंचे हो, ये पूरा के पूरा बता देता है। इसलिए जिसमें श्रद्धा के लक्षण बताए, श्रद्धा कहते किसको हैं, साधु संग मतलब क्या है? इसलिए अनर्थ कितने तरह का होता है, रुचि का डेफिनेशन क्या है, निष्ठा का क्या संज्ञा है? इसलिए आसक्ति कहते किसको, भाव कहते किसको, प्रेम कहते किसको, जिसमें उसने सारे लक्षण उसमें बता दिए। अगर तुम्हारी क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, तुम्हारे अंदर में क्या क्या लक्षण दिखेगा उसमें, ये पूरी पूरी ये बात को बता दिया। बताने पर क्या होगा, फिर हम समझ जाएंगे भैया भक्ति का अमुक स्टेज में हम है, उसको आगे और हमें बढ़नी चाहिए। इसलिए ये एक अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए इसका नाम क्या रखा, बोले माधुर्य कादंबिनी, और लिखा किसने, बोले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यदि ये कौन है, इनको ये बताया गया श्री रूप गोस्वामी का ही ये एक दूसरा अवतार है। रूप गोस्वामी आए भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मणि लघु भागवतामृतम ये सब ग्रंथों को करके गए। फिर उन्होंने दो बार फिर आए, बोले ग्रंथ तो बहुत बड़ी बड़ी, अगर थोड़ी से समय में अगर ये भक्ति का सार कोई समझना चाहता है उसको क्या करनी चाहिए। फिर उन्होंने उसी ग्रंथ को उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ कर दिया, भक्ति रसामृत सिंधु को बिंदु कर दिया, उज्ज्वल निर्मणि किरण कणा कर दिया, लघु भागवतामृत कणा, उसको छोटे छोटे ग्रंथ रूप में बना दिया। जीव जैसे थोड़ी से समय में वो अपने आप को समझ जाए हैं, हमारी भक्ति कौन सा स्टेज है और आगे बढ़नी कैसे चाहिए। ग्रंथ का नाम उन्होंने क्या रखा, बोले माधुर्य कादंबिनी। कहते इसका मतलब क्या होता है, बोले माधुर्य मतलब होता है मधुरता, माधुर्य मतलब मीठा है। कादंबिनी मतलब क्या, जैसे बरसालु मेघ की, हाँ बरसालु मेघ, जैसे मेघ जब घनीभूत तो हो जाता है पानी, तब तो बारिश सी होती है, इसलिए इन्होंने नाम रखा माधुर्य कादंबिनी। ग्रंथ लिखा, बोले भैया माधुर्य क्या, मतलब मधुरता। इसलिए वल्लभाचार्य, इसलिए उन्होंने पूरा एक मधुराष्टक बताए। कहते ये माधुर्य स्वरूप कौन है, बोले कृष्ण है, ये कृष्ण ही पूरा मधुरता, कृष्ण में ही ये मधुरता। इसलिए जिसको वेद कहता है रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वा नंद भवति, इसलिए कहते जो रस है भगवान कृष्ण स्वयं, ये रस स्वरूप है भगवान कृष्ण, हाँ इसलिए उनकी जो कृपा ही ये मधुरता है। इसलिए श्री माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ के लिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं पूरा उनको मधुरता को उन्होंने वर्णना किया, बोले अधरंग मधुरम बदनंग मधुरम हासितंग मधुरम नयनंग मधुरम हृदयंग मधुरम गमनंग मधुरम माधुराधिपते राखिलंग मधुरम। श्री श्री वल्लभाचार्य कहते हैं माधुर्य मतलब मधुरता, भगवान के सभी मीठा है, उनकी चलना भी मीठा, उनकी बोलना भी मीठा, उनका देखना भी मीठा, उनकी हंसने भी मीठा, उनकी सब कुछ मीठा ही मीठा है। इसलिए इसलिए भगवान को बताया, भगवान के अंदर में चार विशेष करके कृष्ण में माधुर्य है, मधुरा का जो मूर्तिमान स्वरूप है भगवान कृष्ण है, जिसको बताया अखिल रसामृत मूर्ति, जितने सारे रसों का जो मूर्तिमान स्वरूप ये भगवान कृष्ण ही। यार कौन सा कृष्ण, कहते ये ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण, ये मधुरता की ये पूर्ण विग्रह श्री कृष्ण ही है। विशेष करके उनके अंदर में चार ही माधुर्य, जो चार मीठा है, जो कि किसी अवतार में भी ये चार माधुर्य नहीं। बोले वो क्या है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलवारी थी। उनकी पहला जो माधुर्य मीठा है उनका लीला है। इसलिए कृष्ण जितने मधुर मधुर लीला की, कृष्ण कौन है, कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का कृष्ण सारे कारणों का कारण है कृष्ण। और कृष्ण कौन है बोले इत्य चांस कलापुर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म जिसको ब्रह्मा कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदंग पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण कौन है ये पूर्ण ये ब्रह्म और ये सनातन ये कृष्ण है कृष्ण। लेकिन होते हुए भी कहते भगवत का इच्चरम है लेकिन होते हुए भी लेकिन भक्तों का प्रेम इतने वसीभूत हुए और किसी ने इतने प्रेम में वसीभूत नहीं हुए इतने कोई वसीभूत नहीं हुए। अभी तक दुनिया में भगवान किसका झूठा कभी किसका है नहीं दुनिया भगवान के झूठा खाते हैं लेकिन कृष्ण क्या करते हैं भक्तों का झूठा कृष्ण स्वयं खाते हैं। अगर सखा को कोई फल मिले तो कोई सखा अगर फल खा अगर बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है बोले सारे अगले खाओगे वो छीन करके उसका झूठा खाते हैं। अभी तक भगवान का भगवान सबको कंधे पर बैठ करके दुनिया घुमाते हैं माया से लेकिन अगर कभी कृष्ण श्रीराम के साथ में हार जाए तो कृष्ण स्वयं घोड़ा बन जाते बोले कृष्ण घोड़ा बन। कृष्ण अगर बोले कभी बोलते हैं मैं घोड़ा नहीं बनता बोले घोड़ा नहीं बनोगे पहले हमारी बारी आई तो तू हम कंधे पर बैठ गया घोड़ा बना दिया अब तुम्हारी बारी आई तो घोड़ा नहीं बनोगे सखा के दे कृष्ण को अकेले कर दो इससे कोई बात नहीं करना कोई खेलना नहीं इसको साथ में निकाल दो अकेले कर दो। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत किया तो मैं घोड़ा बन जाऊँगा मेरे को अलग मत क्या करो कहाँ भगवान है कहाँ भक्तों का प्रेम में कितने वसीभूत हो जाता है। सारा दुनिया की कान पकड़ करके भगवान उठाते बैठाते हैं लेकिन मैया उसको क्या करती है कभी अगर उल्टा पुल्टा किए कभी मिट्टी खाए मक्खन खाए तो सीधा कान पकड़ती है बोले अपवित्र दुष्ट गंधा बच्चा है बोले जिनका नाम लेने पर कहते नमो अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्था गतो पिबा जस मरीत पुंडरी काक्यम सब आया बोले भगवान का नाम लेने पर बाहर भीतर पवित्र हो जाते हैं लेकिन मैया उसको फिर तू अपवित्र हो गया झूठा हो गया तू गंदा बच्चा है हैं तेरे को मैं गोद में नहीं लूँगा अभी अभी श्रृंगार किया और अभी अभी धूल में लोटपोट उखा करके सारी कीचड़ लगा करके धूल लगा कर आगे मेरे गोद में मत चढ़ना बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले मैया मेरे को गोद में ले ले। इसको नारद देख करके बोले हे भगवान बोले यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति न तव न खाग मृति। ब्रह्मा कितने कठोर तपस्या करके दर्शन की बात ही छोड़ दो जिनकी चरण की नख की छटा तक भी कृष्णा की दर्शन नहीं कर पाते ब्रह्मा जैसे व्यक्ति लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं मैया की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे हैं मैया के दूध पीने के लिए वो मचल रहे हैं। इसलिए कहते कृष्ण का जो प्रथम माधुर्य उनकी लीला माधुर्य है इसलिए लीला माधुर्य में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं संति यद्यपि लीला प्राच्या मनोहरा। कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि मेरे बहुत सारे लीला है लेकिन वो लीला में सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सा लीला है बोले नाही जाने स्मृत रासे मनो में किधर मैं जब रासलीला की बात याद करता हूँ पता नहीं मेरा मन में क्या खिलबिल मच जाती है मेरा मन क्या हो जाता है रासलीला की स्मरण करते ही है। इसलिए रासलीला में विशेष करके रासलीला में विश्व ब्रह्मांड कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जे यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम मेरे को जो जितना भजन करता है उसी के अनुरूप मैं उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। अगर एक अना कर तो एक अना की भक्ति देता हूँ दो अना कर दो अना की पांच अना कर पांच अना की लेकिन ऐसे भगवान केवल रहस्य में आकर के कृष्ण कहते नपार अहम निरभद्र संजाम सुधास विबुधाई बसा भी बोले गोपियाँ अगर ब्रह्मा जैसे परमायु भी मैं ले लूँ तुम्हारी ऋणी कभी मैंने चुका नहीं सकता तुम लोग ने मेरे लिए जो त्याग तुम लोग किए मैं कभी तुम्हारी ऋणी को चुका ही नहीं सकता। इसलिए रासलीला में विशेष करके जिसमें श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ महिमा जिसमें स्थापन की गई इसलिए भगवान के माधुर्य में पहला माधुर्य है भगवान की लीला माधुर्य बोले दूसरा माधुर्य बोले वेणु माधुर्य
बोले त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कल कुछ कद बंसी वेणु माधुर्य में जिसमें श्रीमद् भागवत में पूरा एक वेणु गीत वेणु का क्या महिमा है वहां पर बताएंगे, जिसमें श्री गोपियां कहती हैं पायत अधर सुधाम के देखो अगले जीवन में अवधा में राधा ही बन करके मैं नहीं आऊंगी, आऊंगी तो श्री बंसुरी बन करके आऊंगी, कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण के अधरामृत में हमारी अधिकार, लेकिन ये बंसी ये अंगूठा दिखा दिखा कर हमारे सारे अधिकार को यही छीन रहा है, हैं? कृष्ण का अधर कितने सुंदर है, कितने सुंदर, कितने लाल रंग, लेकिन ये सारे बंसुरी सारे रस चूस चूस करके उसका देखो कैसे नीला पड़ गया, कैसे कभी हाथ में कभी अधर में कभी कमर में, कृष्ण सुख भी छोड़ते ही नहीं, हर समय अपना पास में रखा करते हैं, इसलिए राधा रानी कहती है चलो पूर्णमासी को पास में चलते हैं, पूछेंगे इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की जो कि ये बंसुरी बन करके आए, और कृष्ण हर समय पास में रखते हैं, हम गोपियाँ हम पास में भटक नहीं पाती हैं, लेकिन ये बंसी को कृष्ण कभी छोड़ते नहीं कभी, और इसको कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं, इसकी सेवा भी कृष्ण करते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, उदाहरण देते हैं जैसे राजा महाराजा की सेवा होती है, जैसे डल्लभ गद्दी के ऊपर राजा सोते हैं कहते उनका जो दो अंगुल नहीं है डल्लभ गद्दी है, और उनकी जैसे उनको प्यार दबाते जो कृष्ण अंगुल चलाते अंगुल नहीं उसको प्यार को दबा रहे हैं, कान में कुंडल बोले कुंडल नहीं जैसे राजा के सर के ऊपर में छत्री धारण करते हैं, आंखों की पलक झपती पलक नहीं जैसे उसका हवा कर रहे हैं, देखो इसका कितना सौभाग्य है, इसे वह त्रिजगत मानसाकर्षी जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते हैं, जिले श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन भुभ्रीत चमत्कृत परम मुहस्तुम्ब, बंसी ध्वनि सुन करके चतुसन का दिमाग चकराने लग जाता है, ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं, हैं? अनंत देव का सर ढगमगाने लगता है, सारा विश्व ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाती है ये बंसी ध्वनि सुन करके, इसलिए बोले तेजो बाई मृदम जथा विनिमय जत्र त्रिसर्ग मूषा, इसलिए कृष्ण बंसी ध्वनि सुन करके बोले सबके सब अपना धर्म को विपर्जय, विपर्जय मतलब पानी बन जाती है पत्थर बन जाती है, हैं? पत्थर पानी बन जाती है, चंद्रमा जहाँ के तहाँ चंद्रमा जहाँ के तहाँ रुक जाती है, गैया दूध हैं गैया घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाती है, जितने पक्षी वही बन जाते हैं, जमुना उल्टी बहने लग जाती है, पेड़ से मधु झरना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए बोले त्रिजगत मानस अगर बोले तीसरा माधुर्य है बोले असमानार्थ रूप श्री विस्मापी तम चराचरम, कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण जिनकी सुंदरता को देख करके क्या होता है सारा विश्व ब्रह्मांड आश्चर्य चकित हो जाते हैं, जिसकी रूप को देख करके माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ छोड़ करके बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, जिनके रूपों की सुंदरता देखकर नारायण वैकुंठ छोड़ करके हैं, नारायण भी जिनके रूप माधुर्य को सुन करके बच्चों को चोरी करते हैं, कृष्ण कहते कृष्ण ने माधुर्य सुनी वासुदेव रखो, मतलब एक ही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं और जब एक मथुरा में रहते हैं, जो मथुरे से कृष्ण वृंदावन कृष्ण की माधुरता सुन करके वो आश्चर्य हो जाते हैं, उनके हृदय में लोभ होता है, और जो वृंदावन के कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है, अपना परछाई को जो मणि स्तंभ में देखते हैं कि तो भैया अपरकलित प्रभम कष्ट मात कर ये कौन है, कितने अपना परछाई को देख करके ये कौन है इतने सुंदर है, कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप को मैं आलिंगन कम करूँ, कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण कहती है उनकी तीसरा माधुर्य है, कभी कभी गोपियाँ कहती है नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करुणा ने, कि अच्छा हुआ तुमको भगवान ने लाली नहीं बोला करे लाला ही बनाया, अगर लाली होता है ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए आपको सास में युद्ध करके मर जाते, पद्मावती का नाम सुन पद्मावती एक साधारण लड़की हुई, साधारण एक लड़की हुई
उसको पाने के लिए जो मुसलमान राजा कितने दिन तक उसने युद्ध किया, हाँ कितने दिन तक उसने युद्ध किया, कितना दिन तक उसको पाने के लिए, ऑलरेडी वो शादी हो चुकी थी हैं, तब भी उसको पाने के लिए कितना उसने कितना ये किया हैं। इसलिए कहते यहाँ पर जितने सुंदरता पृथ्वी में, जितने स्त्रियों की सुंदरता पृथ्वी लोक में, सारी सुंदरता को मिलाओ ना स्वर्ग में एक अप्सरी को साथ में बराबर है। तो इतने सुंदरी जितने वहाँ अप्सरी जितने, उनकी सारे सुंदरता को मिला दो एक लक्ष्मी को साथ में बराबर है। सारे लक्ष्मियों की सुंदरता को मिला दो मिल करके एक गोपी की, गोपी को साथ में बराबर है सुंदरता। सारे गोपियों की सुंदरता को मिला दो ना राधा रानी के चरण की नख की छटा में ये सारी सुंदरता समा जाती है। कृष्ण इतने सुंदर है और राधा रानी इतने सुंदरी है, इसलिए कहते उनका जो तीसरा माधुर्य है, उनकी श्री रूप माधुर्य, चौथा माधुर्य उनकी प्रेम माधुर्य। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब रास लीला की ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1000 चतुर्युग तक उन्होंने ये रास लीला की है, लेकिन गोपियां जब रास में आई उनको ऐसे लगा, उसमें इतना आनंद उनको ऐसे लगा मानो अभी अभी आए और अभी अभी रासलीला समाप्त हो, मतलब आनंद में ना, आनंद में पता नहीं चलता है समय कैसे बीत जाती है। दूसरा माधुर्य है कृष्ण जब गोचारण करते हुए जब अपना ब्रज में वापस आते हैं और कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। अभी बंसी ध्वनि को सुन करके जितने ब्रजवासी सारे घर का काम धाम को छोड़ करके सबके सब बाहर आए थे और कृष्ण को दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय कृष्ण इतने सुंदर कहते आंखों का पलक जब झपकती है ना वो पता नहीं चलता है कितने तेजी से आंखों का पलक झपकती है, लेकिन उतना समय को भी गोपियां कहती हैं बोले त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्मकीदृशाम। इसलिए गोपियां कहती हैं ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर देखने के लिए दो ही आँख, फिर उसमें पलक भी झपती है हैं, लेकिन पलक झपते समय पता नहीं चलता, लेकिन उनको लगता है जैसे करोड़ युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। कहती केवल कृष्ण में ये माधुर्य, इसलिए कृष्ण के अंदर में ये चार ही माधुर्य है। इसलिए ग्रंथ का नाम है क्या है, माधुर्य कादंबिनी। माधुर्य मतलब कृष्ण का ही जो मधुरता है, चारुता सुष्टता सुंदरता। कादंबिनी मतलब क्या, मेघमाला। इस आकाश में जब बादल एकत्रित हो जाता है, बादल क्या मेघ, पानी, पानी मतलब क्या, मतलब कृपा, पानी मतलब कृपा, वो जब घनीभूत हो जाती हैं, घनीभूत अवस्था धारण करते हैं उसको कहते हैं कादंबिनी हैं, मेघमाला क्योंकि कादंबिनी। मतलब भैया कृष्ण की माधुर्य कादंबिनी मतलब मधुरता रूपी वो जो बारिश है, वो बारिश साधारण नहीं, वो मधुरता की बारिशता है। वो कुछ चीज क्या चीज है, मधुरता का बारिश क्या चीज है, हैं? तो वहां पर बताए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा ही ये मधुर जतरूप कादंबिनी है। इसलिए महाप्रभु जो जीवों को पर उन्होंने कृपा की, कहते कृपा ही ये माधुर्य कादंबिनी, जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर कहते हैं बोले चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत बन्या सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी है लतन्य। वो कादंबिन मतलब मेघ है, वो महाप्रभु का कृपा ही, महाप्रभु का आशीर्वाद। वो कैसे है बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार में महाप्रभु ने प्रेम की बाढ़ बहा दी, जिसको श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं क्या कहते, बोले गौरांग बोलीते हवे पुलका शरीरा हरी हरी बोलीते ना यानी बाबे नीर।
तते आर कवि नीताई चांदे करुणा हई मे संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं आबध करुणा सिंधु काटिया मुहान घरे घरे बोले प्रेम हामियार बार। उदाहरण देते हैं महाप्रभु का जो प्रेम है, क्या है प्रेम, जिस एक तरफ का प्रेम और दूसरी तरफ पूरा बहुत बड़ा गड्ढा है, बांध है, बांध है, उसमें क्या होता है एक तरफ में पानी 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 पानी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, वो उसको काट दिया, जो काट दिया बड़ी तेजी से पानी, एक तरफ खाली था वो पानी इतने तेजी से आया ना आगे जो मिलेगा उसको बहाते हुए ले जाएगा। इसलिए कहते चैतन्य महाप्रभु का अवतार में उन्होंने जो प्रेमामृत जो बन्या हुए उसने एकदम डुबा दिया सारा दुनिया को, मतलब सब जीव प्रेम भाव से प्रीति भैल धन्या। कहते महाप्रभु ने जो प्रेम को लेकर के आए और नित्यानंद प्रभु उसको बांध को उन्होंने तोड़ दिए, सारे विश्व ब्रह्मांड को ये प्रेम सबको डुबो करके सबको धन्य कर दिया। उसका एक टहनिया कहते श्री अशोक नगर में भी आ गई, एक टहनिया कहते श्री नोएडा में भी आ गया, नोएडा में भी आ गया। कहते कौन है, हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, उसको टहनिया नवद्वीप से बढ़ते 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 यहाँ आ गए और सबको यहाँ पर डुबो दिया, सबके प्रेम में डुबो दिया। भले उथली प्रेम बनना चौधरी के बेड़ा, कहते जो बाढ़ उफनते 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 चारी तरफ में, ये जो बाढ़ है चारी तरफ में पानी 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 प्रेम रूप पानी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बोले उसमें डूबे कौन, बोले स्त्री वृद्ध बालक जो बात सकल ही डूबाए, वो प्रेम बनना छोड़ा नहीं किसको, स्त्रियों को वृद्धों को बालकों को जुबाओं को किसको नहीं छोड़ा, वो प्रेम रस में सबको सब उसने स्नान कर लिया। बोले सजन दुर्जन पंगु जड़ा अंधगण प्रेम बन्याए डुबाई लो जगत रे जन। ये तो उसमें डूबे कौन, बोले सज्जन भी डूबे दुर्जन भी डूबे उसमें, और पंगु पंगु मतलब जिसकी लंगड़े लुड़े उनको भी डुबाए, जड़ जो अचेतन उनको भी डुबाए, और जो अंध है उनको भी डुबा दिया। और प्रेम बनना डुबाई लो जगत रजन, बोले विश्व ब्रह्मांड में सब जीव को उनने डुबा दिया है। बोले जगत डूबी लो जीवे हई लो बीज नाश ताहा देखी पांच जने रे परम उल्लास। जब ये सारा दुनिया में को ये कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ जब सबको डुबा दिया, जो जीव है सबके सब जीव वास सब जीव उधार हो गए, जब उधार हो गए उसको देख करके पांच व्यक्ति बड़े खुश हो रहे हैं। जो पांच व्यक्ति कौन है, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, दूसरे श्री नित्यानंद, तीसरा श्री अद्वैत आचार्य, चौथा श्री गदाधर, गदाधर कौन राधा रानी, और श्रीवास श्री नारद जी। वास जब देखा सबके जब जीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, सबके सब प्रभु का भजन में डूब रहे, बस प्रसन्न हो गए। भाई भैया हम तो इसीलिए आए थे जीवों को भगवान की भक्ति रूपी प्रेम देने के लिए। जत जत प्रेम वृष्टि करे पंच जन तत तत बाढ़े जल व्यापे त्रिभुवन। ये प्रेम ऐसे की चीज है जैसे हर चीज ना किस चीज को दो घटेगा, जैसे हमारा अपने पास में 100 रुपया है, अगर आपको मैंने 2 रुपया दे दिया 2 रुपया घटेगा, अगर 10 रुपया दे दिया 10 रुपया घटेगा, 50 रुपया दे दिया 50 रुपये घटेगा। लेकिन कहते ये प्रेम एक अद्भुत ऐसी चीज है, कहते जितना बांट रहे ना उतना बढ़ रही है, इसमें घटती नहीं इसमें बढ़ती रहती है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दिया, उन्होंने फिर
जीव गोस्वामी को दिया, हरे नरोत्तम श्यामानंद को दिया, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर को दिया, हरे उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को दिया, प्रभुपाद को दिया, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को दिया, उन्होंने नारायण गोस्वामी महाराज को दिए घटा, वो धीरे 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 और जितने दे रहे ना उतना बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अशोक नगर में आ गया, अरे यहाँ के लोग भी पागल हो गए। इसलिए कभी ऐसे के धन नहीं जिसको देने से कभी घटती नहीं, जो धन देने पर हर समय बढ़ती रहती है। इसलिए कहते वो माधुर्य कादम ने किया है, कहते माधुर्य मतलब महाप्रभु का जो कृपा है, महाप्रभु इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। इसलिए बोले जगत में कोई दानी होगा है लेकिन महाप्रभु दानी नहीं, कहते महाबदन्य जगत में जितने दानी हुए सबसे बड़ा दानी श्री चैतन्य महाप्रभु। कोई कपड़ा लता दान करता है, कोई स्कूल कॉलेज खोल देता है, कोई हॉस्पिटल खोल कर दान करता है, यदि ये दानी दान पूर्ण दान नहीं, ये दान पूर्ण दान नहीं। उसको बाद में हमारे जितने आचार्य लोग आए रामानुज इन्होंने भी दान दिया, किसी भी दान दिया, उन्होंने लक्ष्मी नारायण का सेवा को उन्होंने दान दिया, किसने श्री बल्लभाचार्य जी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में आए जिसमें श्री बाल गोपाल की उपासना है, उन्होंने भी कृष्ण को वात्सल्य प्रेम में दान दिया। श्री निम्बार का आचार्य जी आए, इन्होंने श्री राधा कृष्ण की सोखिया प्रेम की उन्होंने दान देते हैं। लेकिन श्री मन महाप्रभु आए हैं, श्री मन महाप्रभु आए जिन्होंने परिख्या प्रेम की, ब्रज की शुद्ध भक्ति, ब्रज वासियों की शुद्ध भक्ति, ब्रज गोपियों की जो शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्रदान किया, जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंतरे स्फुरतु सचिनंदन। इसलिए उन्होंने अनर्पित जो प्रेम ब्रह्मा के एक दिन पहले दी गई थी, 10,000 जिसको है जो ब्रह्मा के एक दिन पहले दी गई थी, वो दुर्लभ प्रेम को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आकर के जिस प्रेम के लिए है कौन कौन तरसते हैं, बोले ब्रह्मा वीरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लड़ाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली हे मन गौरंग बिना नाही हार। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में कोई दानी नहीं हुए, उन्होंने ब्रह्मा जिसको पाने के लिए पत्थर जन्म की प्रार्थना करते हैं, शंकर जी गोपी बन करके आते हैं, माँ लक्ष्मी कठोर तपस्या करती हैं, जिसके लिए स्वयं महाविष्णु कहते हैं जो प्रेम को खिलतो को साई विष्णु गर्भतो को साई विष्णु कारण दो साई विष्णु जो प्रेम को कहते हम भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, श्री जिसके लिए शंकर जी गोपी बन करके आते हैं, जहाँ पर उद्धव जी घास भूसा बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु वो प्रेम को आसानी से प्रदान किया, मतलब ज्यादा कलयुग में कष्ट करने का जरूरत नहीं, बाजा या कर ताली, कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, बस थोड़ी सी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Bol Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol,
माधुर्य कादंबिनी मतलब कादंबिनी मतलब मेघमाला, मेघमाला नहीं, ये महाप्रभु की जो कृपा है वो कृपा कैसे बोले मधुरता है, वो कृपा कैसे मधुरता, उसमें कोई खट्टा नहीं, उसमें कोई मिर्च नहीं, जो केवल मधुर मिठाई मिठाई। इसलिए ये ग्रंथ का नाम उन्होंने माधुर्य कादंबिनी रखा। इसका मतलब है महाप्रभु जो जगत में जो प्रेम प्रदान किया वो दुर्लभ प्रेम को प्रदान की, अगर उस